भारत सरकार में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया। माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर प्रदेश भाजपा की ओर से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बीते शनिवार को पोर्ट ब्लेयर में हुए इस कॉन्क्लेव में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार मुख्य अतिथि थे। समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी, गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली, पार्टी के नेता कार्यकर्ता और मीडिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। माननीय राज्य मंत्री को गुलदस्ता और शॉल भेंट कर उनका समारोह में स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी ने बजट पर अपने विचार रखे। ये आप सभी को मालूम है 23 जुलाई को हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश हुआ उसका ऊपर में हर प्रदेश में कोई ना कोई मंत्री का दौरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया और उसी का लिए खास करके आज सुकांतोदा हमारा बीच में आके पहुंचे हैं। अंडमान वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ ACCI के अध्यक्ष के चंद्रशेखर ने बजट को सकारात्मक बताया। मेरा पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से एक संतुलित बजट को पेश किया गया इस बार। हालांकि ये संपूर्ण बजट नहीं था, बैलेंस पीरियड के लिए बजट था, तो इसमें सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए करीब 1 करोड़ बच्चों को स्टाइफंड देने का, जो इंटर्नशिप करेगा उसको स्टाइफंड देने का इंतजाम किया गया है 5,000 रुपया पर महीने के हिसाब से, जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। दूसरा है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को इंडस्ट्री में आगे आने के लिए बहुत सारी स्कीम्स इसमें निर्मला सीतारामन जी ने अपने बजट में रखा है। उम्मीद करता है एक प्रोग्रेसिव बजट होगा, महिलाओं को आगे आने का एक अवसर मिलेगा। तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप इंडिया या और सारे बहुत सारे स्कीमें, मुद्रा लोन को पहले 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था, उसको इस बार बढ़ा के 20 लाख रुपया कर दिया है। ये जो लोन है विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी का डायरेक्टली बैंक के द्वारा दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्योरिटी पे। तो इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अंडमान निकोबार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ लोग सरकारी नौकरी पर डिपेंड करता है कि हमें कब नौकरी मिलेगा, हमें कब नौकरी मिलेगा, क्योंकि कोई इंडस्ट्री या कोई कॉरपोरेट कंपनीज यहाँ एस्टेब्लिश नहीं है। तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, और हम लोगों का पर्टिकुलरली हमारे यूथ को ही मैं ये या आपके थ्रू से ये बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी एक सेचुरियन पॉइंट पर आ गया है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए एक स्कीम है आपको स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का आपको प्रोजेक्ट को बेस करके 5 करोड़ रुपया तक का लोन मिलेगा। जो भी प्रोग्राम्स है, जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स है, उसको सही जगह तक पहुँचाए, जन जन तक पहुँचाए, गाँव गाँव तक पहुँचाए। बाकी और वक्ता से बजट तो मेरे हिसाब से बहुत ही संतुलित बजट है। अंडमान के लिए भी बचा हुआ कार्यकाल में करीब 6,000 करोड़ रुपये का एलोकेशन है। इन एडिशन टू हम लोग के पास में CRF का फंड है, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क फंड है, नेशनल हाईवे फंड है, डिफेंस फंड है, बहुत सारे बजट है। हम लोग 6,000 करोड़ रुपये नहीं, हम लोग का बजट। अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कंडीमुत्तू ने केंद्रीय बजट पर अपने विचार व्यक्त किए। इतना बड़ा जो बजट आउटले है इसमें अगर हम देखें तो सरकार को जो आमदनी है कहां कहां से प्राप्त हो रहा है, तो टैक्स और नॉन टैक्स के माध्यम से सरकार को हार्डली और 48% जो है वो रिसोर्सेस प्राप्त हो रहा है। बाकी सरकार बोरोइंग करती है, बिजनेस सेक्टर को बेनिफिट करने वाला है, एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट करने वाला है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको भी ये मजबूत करने वाला है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्ट्रक्चरल रिविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
महिला बहुत खुश है, गवर्नमेंट का बहुत तारीफ कर रहे हैं कि ये कोल्ड के ऊपर में इतना जो कंपनी किया है, ये बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई सोचा ही नहीं है। तो हम आपका साथ देंगे, मोदी जी का साथ में देंगे, कभी पहले भी था, अभी भी होगा, कभी भी होगा, हम आपका साथ देंगे, इतना बोल के हमारा धन्यवाद है। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार ने केंद्रीय बजट को सभी वर्गों का बजट बताया। आप पावर हाउस है इस कंट्री के, जैसे चंद्रशेखर जी बोले ना कि जॉब जॉब करते रहते हैं, शायद इसका कारण ये होगा कि इट इज मोस्टली अंदामान निकोबार इज डोमिनेट, स्पेशली अंदामान इज डोमिनेटेड बाय द बेंगोली पीपल। आई थिंक 60% पॉपुलेशन, मोर देन 60% पॉपुलेशन इज फ्रॉम बेंगोली कम्युनिटी। हम जो बेंगोली होते हैं उनको नौकरी ज़िंदगी में लगता है कि जिंदगी में पैदा होने के बाद नौकरी के पीछे भागो। मैं भी बचपन से भाग रहा था नौकरी के पीछे, कि हम जॉब सीकर से जॉब गिवर बने। क्योंकि उन्होंने सच बताया कि कोई भी गवर्नमेंट, ये कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, 10-15% से ज़्यादा पॉपुलेशन को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। ये वास्तविकता है, कोई भी सरकार अगर अपनी सारे लोगों को नौकरी देने को, वहाँ पे कोशिश हुई थी, हुई सब फ्री 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 डोल डोल डोल, फ्री में कुछ नहीं मिलता सर, भगवान भी फ्री में कुछ नहीं देता। आप तपस्या करेंगे तभी जाके तप मिलेगा, तभी वरदान मिलेगा। हम देखे महिषासुर इतना तपस्या किया तब जाके मिला कुछ, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता। तो हमारी सरकार ने कोशिश किया कि हमारे समाज के, मुझे लगा कि ये बजट जो है ये होलिस्टिक बजट है। होलिस्टिक बजट मतलब मेरे सेंस से समाज के सबसे गरीब डाउन ट्रोडन पीपल, जिनको चिंता रहती है कि कल क्या खाना है, एक ऐसा तबका है, स्वाभाविक है। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमने 25 करोड़ लोगों को उस रेखा से ऊपर उठाया, लेकिन और भी बाकी हैं, ये तो कोई हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इनके लिए मोदी जी पहले से ही प्रतिबद्ध थे कि हम 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक गरीब कल्याण योजना के द्वारा, अन्य योजना के तहत फ्री के और राशन जो हम देते आ रहे हैं वो देंगे, और देना चाहिए, और वो कंटिन्यू होगा हमारी सरकार के समय में। सरकार ने इस बजट में डिसीजन लिया, मोदी जी का एक सपना का सपना है कि हमारे देश का कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, बिना छत के नहीं रहेगा, कंक्रीट के छत के नहीं रहेगा। तो हमने कुछ टारगेट रखे थे, सारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस बार अगले साल में हम लगभग 3 करोड़ आवास योजना, पीएम आवास योजना का घर देने का प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान रखा है। एक तो जैसे बताया गया आपको कि ये पूरा बजट नहीं है, क्योंकि इंटरिम बजट आ गया था, लगभग 9 महीने का ये बजट है, तो लोग कुछ बोल रहे हैं इसमें पैसा घट गया, उसमें पैसा घट गया, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 3 महीने का अलग से पहले ही उसको अनाउंस कर दिया गया है, और आगे रिवाइज बजट में, बी में होता है रिवाइज बजट, आप लोगों को पता है, रिवाइज बजट में जाकर इसमें अगर ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे इसमें। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली सालों में DBT के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, और मुझे लगता है इसी मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ये पूरी देश की उपलब्धि है। PM जनधन अकाउंट के द्वारा लोगों को ये बांटने की व्यवस्था की, लैक वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको प्रधानमंत्री जी का ये मतलब सुविधा, ये सुविधा मिली। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है कि ये जो लोन मिला उनको लगभग 11,000 करोड़ का, विदाउट एनी कोलेटरल, कोई गारंटी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, कागज़ वागज जमीन का कागज़ नहीं देना है, मॉर्गेज नहीं रखना है, तो सरकार ने इसको आगे बढ़ाने की चिंता की। इस बार बजट में सरकार ने किया क्या कि हम ऐसे 100 हार्ट्स बनाएंगे या स्ट्रीट फूड हब बनाएंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह में होगा, जहाँ पे ये लोग रोजगार बढ़ाने के लिए वहाँ पे और भी लोग आ सकते हैं या नए लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इससे मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो स्ट्रीट वेंडर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसकी बारे में, अगर ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लगभग 33 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक 14 से 24 तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और 6.50 करोड़ एडमिशन्स हॉस्पिटल में हो चुके हैं इस कार्ड के द्वारा, मतलब ये काम भी कर रहे हैं।
और इसके द्वारा लगभग 81,979 करोड़ रुपीस लोगों को रिइंबर्समेंट मतलब लोग मतलब हॉस्पिटल को गया है, आदमी के पॉकेट से नहीं देना पड़ा। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन जो आप जानते हैं जिसमें लगभग 79 करोड़ रुपीस हमारी सरकार ने विगत दिन में खर्चा किया और इसको बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये भी एक सपनों का प्रोजेक्ट है कि भारत उन्नत देशों की तरह अपने भारत का हर आदमी गरीब से गरीब आदमी अपने घर में बैठे हुए कल का नल घुमाएगी और वहाँ से पानी निकलेगा, पीने का पानी निकलेगा। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे अटल जो पेंशन योजना से लेकर पीएम श्रम योगी मानधन योजना, इसमें भी 177 करोड़ रुपया, अटल पेंशन योजना में 520 करोड़ रुपये जैसा पैसा हमारी सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया है, इसमें प्रावधान किया है। अभी देखिए युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है मुझे लगता है बजट का, जिसके बारे में हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब भी बात कर रहे थे कि नया जॉब क्रिएशन, ये नए जॉब क्रिएशन के लिए हमारी सरकार ने जो तीन मोटा मोटी अगर देखें तो तीन ऐसे घोषणाएं की हैं कि एक तो अगर कोई नया कोई सेटअप कोई लगा रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर नया कोई बिजनेस चालू कर रहा है और या नए पुराने बिजनेस में नए लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो 1 मंथ वेज 15,000 अप टू 15,000 जितना उनका वेज है उस हिसाब से अप टू 15,000 तक रुपया वो सरकार रीइंबर्समेंट करेगी, सरकार देगी। पहली बार ये कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं किया। उन्होंने एक अलग चीज की उल्लेख की वो भी है कि हम 5,000 रुपये का स्टाइपेंड देंगे इंटर्नशिप के लिए और देश में पूरे 500 ऐसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में लोगों को युवाओं को काम करने के लिए भेजेंगे कि आप एक्सपीरियंस लो मार्केट क्या चाहता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का हमेशा ये लैकुना रह गया कि मार्केट जो चाहता है हमारा एजुकेशन सिस्टम वो तैयार नहीं कर पाता। तो मार्केट जो चाहिए वो चीज़ हमें तैयार करने की बारे में करना पड़ेगा और उसके बारे में इस बजट में प्रावधान है। दूसरा जो हमने बताया कि 15,000 रुपये का डेली वेजेस के हिसाब से 15,000 रुपये का महीने का अप टू 15,000 ये सरकार रीइंबर्स करेगी। उसके साथ साथ EPFO जो जब कोई प्राइवेट जॉब करता है तो प्रोविडेंट फंड में वो कंट्रीब्यूट करता है, तो हमारी सरकार ने इस बार पहली बार ऐसे इससे 50 लाख युवाओं को नए युवाओं को नौकरी मिलेगा, क्योंकि ये इंसेंटिव सरकार ने जो तैयार किया है कि एम्प्लॉयर्स के लिए दिया है कि अगर आप नए लोगों को जॉब में रखेंगे तो उसके लिए सरकार अप टू 3,000 रुपीज़ EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर्स को देगी। तो काइंड ऑफ इंसेंटिव है किसके लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए। पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर्स को कुछ नहीं मिलता था तो एक एम्प्लॉयर्स ढूंढता था कि एक्सपीरियंस आदमी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट देता था पेपर में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस, नए लोगों को जॉब नहीं मिलता था। इससे इंसेंटिव उन लोगों को एम्प्लॉयर को मिलेगा कि आप नए लोग लो तब जाके आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो नए लोगों को नए युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस बजट का जो आत्मा है, आत्मा इसमें है, जो प्राण बोलते हैं ना इसमें है कि ये जो स्कीम्स है इसका लाभ लेते हुए आगे आने वाले समय में EPFO में बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें इनरोलमेंट होगा, जो दर्शाएगा कि हमारी सरकार के समय में कितने नए जॉब क्रिएशन हो रहे हैं। एक तो अमृतपीरी शिपिंग के बारे में प्रधानमंत्री कौशल योजना जो चलता है आप जानते हैं, तो इसमें भी सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया है कि इसके द्वारा नए युवाओं को नए नई चीज़ें सिखाना। अभी कौशल योजना के तहत PM कौशल विकास केंद्र के तहत नए नए इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप और इंडस्ट्री को क्या चाहिए, सरकार की जो इसमें जो मनीषा है कि आगे आने वाले समय के इंडस्ट्री के साथ एक और भी क्लोजनेस बना के इंडस्ट्री जिस तरीके से मैन पावर चाहती है उस मैन पावर को हम तैयार करें, सरकार तैयार करे थ्रू कौशल विकास केंद्र के तरह, इसके लिए भी बजट की प्रावधान बड़ी मात्रा में हमारी सरकार की तरफ से किया गया है। हमारे अंडमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ उनका एक गोल है कि मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल टूरिज्म हब। अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तो अंडमान के नील हैवलॉक के बिना ये तो संभव नहीं है।
तो अंडमान के बिना तो ये संभव नहीं है, पोर्ट ब्लेयर के बिना ये संभव नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने जी ने प्रसाद के नाम से एक स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है उसका भी चालू किया, और आगे आने वाले समय में हमारे सरकार ऐसे टूरिज्म को विकास करने के लिए जो सरकार की तरफ से फंडिंग है उसके उसके लिए जो विचार है हम हमारी सरकार करेंगे। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने अन्नदाता के यानी हमारे किसानों के बारे में भी इस बजट में बहुत जो सैंक्शन पहले से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना सम्मान निधि जो चलती है उसको इस बार भी हमारी सरकार ने उसको तय रखा है और उसमें बहुत सारे फंड की व्यवस्था की है। इसमें हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये पुराना चीज़ है। नया जो चीज़ है इसमें 109 ऐसे वेराइटीज़ हैं जो हाई यील्डिंग और वेदर रेजिलिएंट ऐसे वेराइटीज़ का सरकार इसको नीचे उतारेगी। हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के द्वारा विकसित ऐसे 109 वेराइटीज़ जो एटमोसफेयर रेजिलिएंट है, जो जो हमारे कभी धूप ज़्यादा हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो जाती है, इसके साथ जो कोप अप कर पाए ऐसे वेराइटीज़ को सरकार आगे आने वाले समय में इसको किसानों को देकर इसको आगे सामने लाएगी कि इससे हमारी किसान की जो आमदनी है उससे बढ़ेगी और ये जो प्रोडक्ट है यानी जो प्लांट्स है ये प्लांट्स कोई नेचुरल कैलामिटीज़ जो आते हैं जैसे ड्रॉट आ गया, कहीं पे ज़्यादा बाढ़ आ गया, ये थोड़ा रेजिलिएंट होगा और इससे हमारी किसानों में जो जो उनको ऐसी आपदा आ जाने से उनका रोज़गार घट जाता है वो भी नहीं होगा। ऐसी हमारी सरकार ने एक तरफ आत्मनिर्भर ऑयल सीड के लिए, हम तेल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, हमें पाम ऑयल के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना पड़ता है हमें, तो इसके लिए भी सरकार मिशन मोड में काम करेगी और आगे आने वाले समय में ऑयल सीड हो, पाम ऑयल हो और बाकी रिफाइन ऑयल हो, इसके लिए हमारी सरकार आगे फंड की प्रावधान की है और इससे द्वारा हमें भी लाभ होगा। और उसके साथ साथ जो श्रिम्प प्रोडक्शन, झींगा बोलते हैं हम लोग जिसे हिंदी में, तो बंगाली में चिंगरी बोलते हैं, और उसके कल्टिवेशन के लिए, उसके ब्रीडिंग के लिए हमारी सरकार अलग से जो फंड की व्यवस्था की है, और इसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग यानि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे हर एक जगह पे कोई ना कोई, हमारे भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर हिमालय है, नीचे समुद्र है, और हर एक जगह का अलग अलग किस्म का एटमोसफियर है, इसलिए हर जगह का अगर हम कृषि क्षेत्र में देखेंगे यूनिक एक प्रोडक्ट होता है। हर स्टेट का कोई ना कोई यूनिक 2-3 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होगा जिसको हम अगर ऑर्गेनिक ब्रांडिंग कर पाए, वैल्यू एडिशन कर पाए, तो प्रोडक्ट बहुत दूर जाएगा। मैं लोकसभा में था, आपके सांसद जी उधर घूम रहे थे, मैंने बोला दादा क्या है, तो मैंने देखा कि दादा बात कर रहे हैं हमारे कंगना रनौत जी से, तो मैंने बोला दादा आपकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है, बात मत करो, जस्ट जोक कर रहे थे। नहीं नहीं, मुझसे भाटजीन कोकोनट ऑयल मांग रही थी दीदी, तो बोला अच्छा है तो आप ले आए, तो मेरे लिए भी एक ले आना। तो ये मैं इसलिए बोला क्योंकि ये भाटजीन कोकोनट ऑयल यहाँ का सिग्नेचर प्रोडक्ट है। तो ऐसे हमारे किसानों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हमारे सरकार ने MSP की वृद्धि की है। अगर एक एग्जांपल मैं राइस का दे दूं, क्योंकि राइस कंज्यूमिंग पीपल यहाँ पे बहुत सारे हैं, बंगाली भी राइस कंज्यूम करते हैं, तमिल लोग भी राइस कंज्यूम करते हैं, तो राइस का जब हमारी सरकार नहीं आया था, UPA की सरकार सी तो थी, तो 1310 रुपया क्विंटल 1310 रुपीज पर क्विंटल MSP थी। हमारी सरकार आने के बाद वो 2300 रुपया क्विंटल हमारी सरकार ने एक किया है। अभी एक नई चीज़ है, तो पुरानी चीज़ है, ये MSP चलता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बारे में सोचा है, जैसे विदेशों में होता है, और ड्रोन के लिए लगभग 15,000 महिलाओं को ट्रेन करके आने वाले समय में ड्रोन दीदी बनाने का जो प्लानिंग है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इससे हमारी सरकार ने जो अभी तक कृषि क्षेत्र में जो काम किया है उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है, क्योंकि हमारा 13-14 का अगर देखे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट
तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट उस समय था 37 बिलियन US डॉलर, वो अभी बढ़ के 48.82 यानी 49 बिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए। ऐसी नारी शक्ति के लिए हमारी सरकार ने बहुत फंड का व्यवस्था किया। एक तो ये 15,000 जो द्रोण दीदी बनाएंगे, ये नारी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक महिला, गांव की महिला साड़ी पहन के जब एक ड्रोन चलाएगी, एक अलग दृश्य तैयार होगा वो, और इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी होगा मुझे लगता है। उसके साथ साथ हमारे जो महिलाओं में कैंसर, सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, तो इस सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 से 14 ईयर्स जो बच्चियाँ हैं हमारे घर के, उनके लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट, बिने एक भी पैसा दिए हुए, इसका वैक्सीनेशन का व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और इसको देखा जाता है कि अगर डेटा देखें कि हर साल लगभग 3.4 लाख ओमन इस डिजीज़ के वजह से इस बीमारी में आ जाते हैं, तो इनको बचाने के लिए, हमारे घर के महिलाओं को, माताओं को, बहनों को बचाने के लिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाएंगे हमारे बच्चियों को। ऐसे ही महिलाओं को काम में, आप जानते हैं महिलाएं दूर काम में जाने से डरती है, क्यों, कहाँ जाए, कहाँ रहे, तो हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट लिया है कि आगे आने वाले समय में PPP मॉडल में महिलाओं के लिए हॉस्टल्स, जहाँ पे महिलाएं बहुत कम खर्चे में वहाँ पे रह पाए और दूर दूर में जाके, कई यहाँ से शायद कोई तमिल चेन्नई चले गए, तो चेन्नई जाके काम किया, लौटने का कोई व्यवस्था नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, तो ठीक है वहाँ पे रह गए, तो ऐसे कम पैसे में भी वहाँ पे रह सकती है। मिडिल क्लास के बारे में जैसे मैं बोल रहा था होलिस्टिक, एक तो आपने नारी का बोला, उसके बाद युवाओं का बोला, जो मैंने बोला कि इसका आत्मा है इस बजट की, और उसके साथ साथ हमारे किसानों के लिए क्या है, अन्नदाता के लिए क्या है। अभी मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मोदी जी के बारे में, मोदी जी की सरकार के बारे में बार बार बोला जाता है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए मोदी जी नहीं किए, कुछ नहीं किए। जैसे 3 करोड़ गरीब के लिए घर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सोचा, ऐसे शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर मिडिल क्लास लोगों या लोअर मिडिल क्लास लोग जिसे बोलते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोगों को भी दिया जाएगा PM आवास योजना R1 2.0 के तहत। और उसके साथ साथ टैक्स में भी कटौती हुई है, आप जानते हैं अप टू 7 लाख नो इनकम टैक्स अंडर न्यू रिजिम जो आया है। दूसरा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इससे हम सबकी, मैं भी सैलरीड पर्सन हूँ तो आप सबके साथ मेरे भी थोड़ा इनकम टैक्स बचेगा। जो फैमिली पेंशन जिनको मिलते हैं वहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। इससे भी मिडिल क्लास को, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो मेट्रो का एक्सटेंशन, रेलवे का एक्सटेंशन, ये सारे चीज़ में, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट योजना इस बार आई उसको स्पेशली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल योजना हो सकती है अगर इसको हम सीरियसली लें, क्योंकि आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल बैठाएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, कुछ पैसा आपके पॉकेट से जाएगा, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उससे आपका ये पूरा घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो खर्चा चल सकता है। थोड़ा बहुत अगर देना भी पड़े, बहुत मिनिमल जो बिल आएगा वो देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल समय के साथ साथ ये बढ़ेगा, इकोनॉमी है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी इलेक्शन में जीतने के लिए बोल देती, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया, लेकिन इकोनॉमी बोलती है कि समय के साथ साथ आपको ये जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इस पूरी वर्ल्ड में सोर्सेस ऑफ एनर्जी फिक्स है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ सूर्य देवता को छोड़ के, वो तो कंटिन्यूस चलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको अगर हम ट्रैप कर पाए सोलर पैनल से तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, आप कोल बोल लीजिए, पेट्रोल बोल लीजिए, डीजल बोल लीजिए, सब फिक्स है और समय के साथ साथ ये घटता जाएगा। देखिए, एक सरकार 2 किस्म से काम करती है, एक जैसे मैंने पहले बताया कि गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, उनके हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, और एक होता है कि आगे आने वाले 50 साल के लिए, 100 साल के लिए आप क्या सोच रहे हैं, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, जिसे इकोनॉमी के भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। प्रोफेसर साहब हमसे जब होता अच्छा बता पाएंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ 50 साल बाद ये देश कहाँ रहेगा। जो स्टेट,
जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा कर पाता है उसका बजट उतना अच्छा है और फ्यूचर के लिए भी वो उतना अच्छा करेगा। हमारे नितिन गडकरी जी एक दो लाइन का स्टेटमेंट बहुत बोलते हैं कि कोई को अमेरिका के कोई प्रेसिडेंट बोल के गए थे कि अमेरिका इज़ रिच, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज द अमेरिका इज़ रिच एंड अमेरिका इज़ डेवलप लाइक दैट, अमेरिका इज़ डेवलप एज द रोड्स आर गुड, मतलब आपका रास्ता अच्छा है इसलिए अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर है इसलिए रास्ता अच्छा नहीं, रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है, तो इसका मूल जो सेंटेंस है ये है। तो हमारी सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेस दिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिखता नहीं मतलब आपके पॉकेट में डायरेक्ट नहीं घुसेगा लेकिन इसका लाभ सबसे ज़्यादा हमें मिलता है। हमारी सरकार ने 13-14 में जो सिर्फ 2,57,000 करोड़ की तरह होता है, 58 ही पकड़ लीजिए, 2,58,000 होता है, वो बढ़कर 11,11,111 सारे वन इतने करोड़ 11 लाख करोड़ का प्रावधान कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया है। इसमें क्या होगा, रोड, पावर मतलब बिजली, रेलवे, सिविल एविएशन, पोर्ट्स, आपका जो कैम्बल में बनने वाला है पोर्ट इसमें इससे इस बजट से आएगा, आपका स्टील, ये जब चार पांच चीज़ें हैं, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रेलवेज, सिविल एविएशन, पोर्ट, स्टील एंड पावर, इसके ऊपर ये पैसा खर्च होगा और इससे टोटल एक्सपेंडिचर जो है बजट का वो 23.04% है और 3.4% ऑफ द जीडीपी है। एक कंट्री कितना स्ट्रांग है, एक कंट्री के इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर एक पैमाना होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जिसका इकोनॉमी जितना स्ट्रांग है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा होगा। ये सरकार ने बहुत बार अपना बजट का टोटल एक्सपेंडिचर का 23.04% जो हाईएस्ट एवर है, कभी इंडिया कर नहीं पाई, इतना बड़ा बजट हमारी सरकार ने किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, ये पैसा दिया है जो आगे आने वाले समय में भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा स्टार बनाने में ये कोशिश करेगा। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जब कोरोना के बाद बहुत क्रिटिसिज्म आए, ये नहीं संभाला, वो नहीं संभाला, उस समय जो इकोनॉमी के सबसे टॉप जो जर्नल्स है उसमें मोदी जी की सरकार में सरकार के बारे में, सरकार की इकोनॉमी के बारे में बहुत बड़े लेख आए, वो ऐसे नहीं लिखते कि आपने पैसा दे दिया लिख दिया, इतने बहुत जाने माने सब जर्नल्स है, उसमें ऐसा भी हेडिंग आया, इंडियन इकोनॉमी इज ए ग्लिस्टरिंग स्टार इन द साउथ ईस्ट एशिया, मतलब एक तारे के तरह चमक रहा है भारत का इकोनॉमी साउथ ईस्ट एशिया में, बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे बड़ी बात है शायद हम भूल गए क्योंकि हमारा भूलने का आदत है कि 14 में जब हमारी सरकार आई थी उस समय हमारी इकोनॉमी को, इसी देश की इकोनॉमी को, आपके अपने मेरे देश की इकोनॉमी को बोला जाता था फ्रेजाइल 5, वर्ल्ड की 5 जो अर्थनीति है, जो इकोनॉमी है जिसमें फ्रेजाइल 5 के में से भारत एक था, मतलब कभी भी गिर सकता है, अभी गिरा के अभी कभी गिरा, ऐसी हालत थी। वहाँ से हम टॉप 5 में आए हैं और आगे आने वाले समय में 3 तक पहुँचेंगे, वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में बनेंगे, ये देश सबको लेके बनेगा, अब सब हम मिलके 3rd पोजीशन में जाएंगे। और आपको सुन के खुशी होगी, जो फॉरेक्स रिजर्व यानी वैदेशिक मुद्रा भंडार जिसे बोलते हैं, जिसको डॉलर में रखा जाता है, ये सबसे हाइस्ट एवर हमने रखा हमारी सरकार के समय, लगभग 657 बिलियन जो फॉरेक्स रिजर्व हमारी पहुंचा है, जो हाईएस्ट एवर है, मतलब भारत की इतिहास में कभी नहीं हो पाया। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि हमें बिलीव करना पड़ेगा, जब तक सेल्फ बिलीव नहीं आएगा कि हम बीट कर सकते हैं, यस वी कैन डू, हम ऐसे अर्थनीति ऐसे इकोनॉमी बन सकते हैं जिसमें बड़े बड़े देशों को हम चैलेंज कर सकेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर इकोनॉमी बन सकते हैं। और जब हम आप सब मिलके, क्योंकि देश सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, सबका है, सब मिलके इस देश को लेकर जब आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत में लोगों में वो ऊर्जा है कि हम जब आए थे
जहाँ जिस जगह में एक समय था पूरा विश्व भारत की तरफ जहाज लेके घूमने ढूंढने फिरता था, कोलंबस भी निकला था कि भारत को ढूंढ के निकालूंगा मैं कहाँ है भारत, तो उस जगह में क्यों आते थे लोग पढ़ने के लिए, यहाँ आते थे एजुकेशनल हब। प्रधानमंत्री जी की चिंता में वो भी है प्लानिंग में कि भारत आगे आने वाले समय में एजुकेशनल हब बनेगा पूरा विश्व का, लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार हायर एजुकेशन में करने की कोशिश कर रही है, जिसमें पूरे देश से जो शिक्षा की मान है, देश में जो शिक्षा की मान है उसको भी बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ पे आएंगे। और हम एकमात्र ऐसी जाति है जो समय के साथ साथ सारे प्राकृतिक आपदा हो, बाहर से अगर जो अटैक हुए आक्रमण हुए उसको सहकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं हजारों साल की हमारी इस कल्चर को लेके। तो मुझे लगता है भारत में वो क्षमता है, आप में वो क्षमता है, और आगे आने वाले समय में पूरा भारत अंडमान निकोबार भी आगे बढ़ेगा, यहाँ के भी इकोनॉमी बहुत उछाल आएगी और पूरे भारत की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगी कि आगे आने वाले समय में हम गर्व से कहेंगे कि हम थर्ड इकोनॉमी बन गए हैं और हमारी टारगेट एक नंबर है, और एक नंबर भी फ्यूचर में पहुंचेंगे, शायद हम रहे ना रहे लेकिन हमारी ये देश रहना चाहिए, और ये देश ये वर्ल्ड की एक नंबर देश होने की क्षमता रखती है, हमारे आने वाले जेनरेशन में वो क्षमता है, हमें उन्हें तैयार करना है और ये बजट उस दिशा में ले जाता है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आपने पेशेंस किया।